गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल। आज हम क्लास सिक्स का सिविक्स का जो हमारा टॉपिक है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हमने आज करना है मैनेजमेंट ऑफ लैंड ऑफ विलेज। इसमें हमने पढ़ा एक रोल ऑफ पुलिस, फंक्शंस ऑफ पुलिस, कि पुलिस जब क्राइम होता है, किसी में चोरी होती है, इंजरी होती है, तो हम रिपोर्ट लिखवाते हैं पुलिस स्टेशन में, जिसे कहा जाता है FIR। ठीक है, फिर जो पुलिस होता है वो आगे इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारे लैंड्स के डिस्प्यूट्स होते हैं, ये कौन देखता है, ये पटवारी देखता है कि किसी ने किसी के लैंड पे कब्जा तो नहीं कर रखा है, बाउंड्री तो नहीं किसी की और लैंड पे बना रखी है, तो ये सब देखता है पटवारी। तो आगे नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ लैंड ऑफ विलेज। तो हम ये पढ़ रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज है मैनेजमेंट ऑफ लैंड ऑफ विलेज, कौन देखता है। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। स्टेट्स इंडिया के जितनी भी स्टेट्स हैं ये सब डिवाइड हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं। These districts are further subdivided noun by different names such as तहसील, तालुका, etc. एक तो स्टेट्स को डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट को आगे सब डिवाइडेड किया गया है, उनको हम कहते हैं तहसील कहते हैं या तो तालुका कहते हैं। एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उन सब जो तहसील और तालुका का जो सबसे हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है, उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और जो उसके अंडर काम करता है वो है रेवेन्यू ऑफिसर, जिसे कहा जाता है तहसीलदार। डिस्ट्रिक्ट्स का हेड हो गया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो उसके अंडर काम करते हैं उन्हें कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, और तहसीलदार कहा जाता है। द रेवेन्यू ऑफिसर्स और तहसीलदार्स कम अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, ये तहसीलदार जो है किसके अंडर काम करते हैं, ये करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर काम करते हैं। द तहसीलदार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ पटवारी रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तहसीलदार काम करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के, और जो पटवारी होता है वो तहसीलदार के अंडर काम करता है। ठीक, सबसे बड़े होकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देन फिर हमें तहसीलदार, तहसीलदार के अंडर पटवारी, फिर जो तहसीलदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पटवारी है, पटवारी उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे लैंड के रिगार्डिंग। ठीक है, लैंड के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो पटवारी देते हैं तहसीलदार को, और तहसीलदार देते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। दे आल्सो परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद कॉपीज ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड्स एंड हियरिंग लैंड डिस्प्यूट्स। और ये तहसीलदार होते हैं वो ये भी करते हैं कि जिनका लोगों का लैंड का रिकॉर्ड्स देखते हैं कि किसके पास कितनी ज़मीन है, किसी किसी की ज़मीन पर कब्जा तो नहीं किया गया है, पटवारी के खिलाफ कोई कंप्लेंट तो नहीं है, और जितने लैंड से जो डिस्प्यूट्स हैं जो पटवारी सॉल्व नहीं कर पाता है, तो ये देखते हैं तहसीलदार देखते हैं। ठीक है, तो हम ये सब ये विलेजेस वगैरह में सब होता है, ये रूरल एरियाज होते हैं जो ये तहसीलदार, पटवारी वगैरह ये सब देखते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स देखते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में, मैनेजमेंट ऑफ लैंड ऑफ विलेज, कि कैसे जो है स्टेट्स को डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट का फिर क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर फिर तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार के अंडर फिर पटवारी होते हैं। ठीक है, तो सभी की अपने अपने फंक्शंस होते हैं। पटवारी जो है वो लैंड रेवेन्यू, लैंड्स की जितनी इंफॉर्मेशन है वो तहसीलदार को देते हैं, तहसीलदार फिर जितने लैंड से डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करके फिर जो रिपोर्ट है अपनी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और अपनी जो EVS सॉरी सिविक्स की कॉपी है जो नोटबुक है उस पर आप इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।